हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए करना है तो देखो, वर्चुअल इमेज के लिए जो रे डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, ये आपके पास क्या हो गया, देखो कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये वाला इसके इसका मान लो आप ये फोकल फोकस मान लो, ये क्या हो गया आपके पास इसकी फोकस, और इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज अगर चाहिए तो आपको पता है इसमें इस साइड भी एफ होता है, ठीक, आपको पता है रे डायग्राम में क्लास टेंथ में भी किया हुआ है आपने कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास रखोगे कन्वेक्स के तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। देखो कैसे, यदि इसके बहुत पास हमने ये रख दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ये ए और ये बी, ठीक है, तो रूल लगाओ आप ज़रा, ये पैरेलल रे गई कहाँ से निकलनी चाहिए आपके पास, फोकस से, फोकस से निकाल दो इस तरीके से, ये आपके पास फोकस से निकल जाएगी इस तरीके से, और दूसरी हम बना देते हैं इसमें सेंटर से, सेंटर से जाएगी तो वो कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरीके से, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से जब ये निकलेंगी तो ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पैरेलल है, ठीक है ना, थोड़ी सी डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी, तो अगर ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी तो इसका मतलब क्या है, ये कभी यहाँ तो मीट नहीं करेंगी इस साइड, तो इधर तो बनेगी नहीं इमेज, तो यानी कि रियल इमेज तो नहीं बनेगी, तो यानी कि इनको बैक ट्रेस करेंगे तो कैसी इमेज बन जाएगी आपके पास, बताओ, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो इसको हम बैक ट्रेस करते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक, और ये यहाँ पर कहीं बनेगी जाके, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ठीक, तो ये कहीं पर यहाँ पर जाके आपके पास मीट करेगी, देखो कितनी बात क्लियर है या नहीं है, दिख रहा होगा सभी को, ठीक। तो अगर यहाँ पर ये मीट कर रही है तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये आपके पास क्या बन गई, इसकी इतनी बड़ी इमेज बन गई, और आपको पता है वर्चुअल इमेज जो होती है कन्वेक्स में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और इसको नाम देते हैं हम, ये हो गई बी डैश और ये हो गया आपके पास ए डैश, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बड़ी सिंपल से है डायग्राम, कर लोगे इसको, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही चीज़ करनी है, अगर आपने पिछली डेरिवेशन की हुई है अच्छे से तो ये भी डेरिवेशन आपको आ जाएगी, तो अगर इसका रे डायग्राम आपका बन गया तो बिल्कुल ईजी है फिर तो डेरिवेशन करनी, ठीक है। देखो कैसे करना है इसमें, इसमें भी आप ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन से ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ये ए डैश बी डैश सी, इन ये क्या है, सिमिलर हैं, और ये सिमिलर की कहानी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि कैसे होती है। देखो अगर इसमें देखो आप ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है इसमें, ये नहीं है, ठीक है, और अगर इनमें देखो आप ये एंगल सी दोनों में कॉमन बन रहा है, ठीक है ना, एंगल सी इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वो इक्वल है ही है। तो देखो दो एंगल भी अगर इक्वल हो गए आपके पास तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा अगर दो एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, वो इक्वल होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, समझ गए कौन कौन से एंगल है, ये 90 डिग्री वाला दोनों का इक्वल, और ये एंगल सी देखो ए डैश बी डैश सी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, ये समझ रहे हो, तो ये कॉमन हो गया एंगल, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं एंगल सी भी इक्वल है आपके पास, और ये वाले भी एंगल इक्वल है 90 डिग्री वाले, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो ये सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, और साथ में ये वाला लिख सकते हैं बी सी अपॉन में बी डैश सी, और इसको मान लेंगे फर्स्ट। सिमिलरली दो ट्रायंगल और कंसीडर करेंगे हम, वो कौन से होंगे आपके पास, ट्रायंगल सी डी, देखो यहाँ पर ये वाला डी बनेगा आपके पास, ये वाला डी पॉइंट बन गया, तो सी डी एफ, सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, यही ट्रायंगल्स हमने पिछले वाले भी टॉपिक में लिए थे, ठीक है, तो सी डी एफ में देख लो, ये सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसमें भी सेम वही बात बनेगी, सिमिलर कैसे हैं, ये देखो सी पे और बी डैश पे जो एंगल है वो कौन से है, 90 डिग्री के, तो इक्वल हो गए, और इसमें देखो इनमें एंगल एफ कॉमन है, सी डी एफ में भी आ रहा है और ए डैश बी डैश एफ में भी आ रहा है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक तो ये 90 डिग्री वाला और एक ये कॉमन वाला, तो क्या हो गए, ये सिमिलर होंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो थर्ड अपने आप इक्वल होता है, ये बेसिक सी बातें ये पता होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सी डी एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी, वो कैसे, देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास सी डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ए डैश बी डैश और साथ में ये आ जाएगा आपके पास सी एफ और ये आ जाएगा बी डैश एफ, कितनी बात क्लियर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता है कि सी डी जो है ये इक्वल है किसके, ए बी के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बट सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू में सी एफ
अब फोन में बी डैश एफ, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड में, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल आएगी। तो यह क्या आ जाएगा आपका, बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू में सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अब आपको बिल्कुल सेम कहानी पता है जो पिछली डेरिवेशन में हुई थी, कि जो सारे के सारे जो डिस्टेंसेज हैं वो मेजर कहाँ से होते हैं आपके पास, सी से होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो मेजर ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम सी। तो देखो बी सी भी सही है, सी से ही है, और बी डैश सी भी सही है। देखो यहाँ से ऊपर बी सी कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का दैट इज़ यू, और बी डैश सी दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज़ वी, ये भी है हमारे पास, और सी एफ दैट इज़ फोकल लेंथ भी है हमारे पास। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स में वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और कनकेव में हमेशा वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई फोकल लेंथ एफ, ठीक है, ये एफ होता है, ये फोकस होता है पॉइंट, और दूरी सेंटर से क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब देखो मेन कहानी कहाँ अटकती है, ये बी डैश एफ में, ठीक है ना, पहले भी बी डैश एफ में ही अटकी थी। तो देखो ये बी डैश एफ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ये है आपके पास बी डैश एफ, तो डिस्टेंसिस तो सी से हैं, तो मैं बी डैश एफ को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, बी डैश सी प्लस में सी एफ। देखो बी डैश सी की वैल्यू क्या है, वी है, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और सी एफ की वैल्यू एफ है और ये प्लस करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर बी डैश एफ इक्वल टू में बी डैश सी प्लस में सी एफ, लिख सकते हैं हम, क्योंकि बी डैश एफ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वैल्यूज नहीं पता, क्योंकि सारे डिस्टेंसेज सी से पता है हमें। तो हमने इसको ब्रेक इस तरीके से किया कि सी इन्वॉल्व हो जाए, तो बी डैश सी प्लस में सी एफ करके क्या आता है, बी डैश एफ, और इनकी वैल्यूज रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डैश एफ को, मैं लिख सकता हूँ बी डैश सी प्लस में सी एफ, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ से आप वैल्यूज रख दो, देखो BC की वैल्यू क्या होगी आपके पास, U, ये क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का U, बी डैश सी इमेज का डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का V, सी एफ फोकल लेंथ है राइट हैंड साइड है तो प्लस का F, बी डैश सी क्या है आपके पास इमेज का डिस्टेंस तो ये माइनस का V, और सी एफ क्या है फोकल लेंथ प्लस की रहेगी तो ये प्लस का ही लिख दिया हमने। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बहुत ही सिंपल से हैं डेरिवेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का U और ये इधर जाके माइनस का वी प्लस का एफ, ये इधर मल्टीप्लाई और एफ के साथ माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी एफ आ गया, क्लियर। तो ये आ गया देखो माइनस माइनस प्लस का यू वी और प्लस माइनस माइनस यू एफ, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल अंदर और ये माइनस का वी एफ। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए लेंथ फार्मूला, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, यू वी एफ से। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। तो देखो इधर लिख देता हूँ मैं, ये देखो ये जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास लास्ट वाली, ये बनी थी यू वी माइनस में यू वी सॉरी यू एफ, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का वी एफ। देख लो यहाँ से ये है आपके पास यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस का वी एफ। तो देखो यू वी माइनस का यू एफ माइनस का वी एफ, ठीक है। तो इक्वेशन को डिवाइड करना है यू वी एफ से, तो यू वी एफ यहाँ भी, यू वी एफ यहाँ भी और यू वी एफ यहाँ भी, तो यू वी से ये यू वी कैंसिल एंड दैट यू एफ इज कैंसिल विद दिस यू एफ और ये वी एफ जो है ये इस वी एफ से कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पर, देखो वन बाय एफ माइनस का वन बाय वी इज इक्वल टू में, इधर क्या बचा आपके पास, ये माइनस का वन बाय यू बचा है, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो सही से, देखो यहाँ पर ये वन बाय एफ यहीं पर रहने दो, ठीक है, ये 1 बाई वी माइनस कर दिया जाके प्लस का 1 बाई वी और ये माइनस का 1 बाई तो यू तो है ही, तो 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया लेंस फॉर्मूला, और ये आप देख रहे होंगे कि चाहे कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज थी चाहे वर्चुअल थी, लेंस फॉर्मूला यही रहने वाला है, ठीक है। ऐसी कनकेव आएगा, कनकेव में वर्चुअल इमेज के लिए हम करेंगे, लेकिन लेंस फॉर्मूला यही रहेगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। आया समझ में, बिल्कुल सेम है डेरिवेशन जैसे पहले की थी आपने, अगली भी ऐसी ही होने वाली है, लेकिन बस वही है रे डायग्राम आपको सही बनाना पड़ेगा इनका, ठीक है। रे डायग्राम बन गया तो ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम एक ही जैसी है हर पार्ट की, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।